तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्यन सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आप सभी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमको बड़ी खुशी होती है। और इसी मोटिवेशन, इसी एनर्जी के साथ आपके साथ आज फिर हम रूबरू हुए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, क्या होता है, किसी एक राजा होता है और वो राजा बहुत ही अच्छा अपनी प्रजा को बहुत अच्छे तरीके से रखता है, उनकी हर ज़रूरत और उनकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखता है और उनकी बहुत अच्छे तरीके से केयर करता है। मित्रों, तो होता क्या, एक दिन वो राजकुमार अपने राजमहल में जाता है, देखता है कि जितने भी किंग्स होते हैं, जितने भी उनके पूर्वज होते हैं, उन सभी के सभी पोस्टर और फोटो लगी रहती है वहाँ पे दरबार में। तो क्या होता है, राजा को ये होता है कि मैं तो विकलांग हूँ, एक पैर नहीं होता उस राजा का, एक्चुअली में एक आँख नहीं होती है। तो होता क्या, उसको बड़ा ही दुख होता है कि जब मेरी पोस्टर यहाँ पे, मेरा चित्र यहाँ पे लगेगा तो कैसा लगेगा। ये राजा विचार करता है, सोचता है, फिर एक बार क्या होता है, उसके दिमाग में आइडिया होता है, क्यों ना अपने सभी जितने चित्रकार होते हैं उन सभी को दरबार में बुलाया जाए और उनसे ये कहा जाए कि हमारी एक पोस्टर आप बना के दीजिए जो कि अच्छा हो। तो इसके लिए क्या होता है, वो जितने भी उसके चित्रकार होते हैं, जितने भी सभी चित्रकार होते हैं, उनके सभी को दरबार में आमंत्रित करता है और कहता है कि आप मेरी फ़ोटो एक बना के दीजिए। मित्रों, जितने भी चित्रकार होते हैं सभी आते हैं, सब कहते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बना पाता है इस राजा के पोस्टर को। लेकिन उन्हीं में एक चित्रकार क्या होता है, एक चित्रकार एक अच्छा सा पोस्टर बना के लेता है। एक्चुअली में वो राजा एक पैर से विकलांग होता है मित्रों, और आँख भी नहीं होती है। तो वो क्या करता है, पोस्टर ये राजा की इस प्रकार से तस्वीर मित्रों बना के देता है कि वो घुड़सवार होता है और वो निशाना लगा रहा होता है किसी चिड़िया पर। तो उसी में क्या होता है, चिड़िया निशाना लगाने में एक आँख बंद रहती है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि राजा एक आँख का है, विकलांग है, और इसके पैर भी नहीं होता मित्रों। तो वो होता क्या है, उस पैर भी नहीं होता, तो घोड़े को उस चित्रकार ने इस तरीके से बिठा रखा होता ताकि एक पैर भी उसका ना दिखे और एक आँख बंद रहती है निशाना लगाने में। तो मित्रों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमको, इस कहानी से हमें मित्रों ये शिक्षा मिलती है कि वो जो चित्रकार होता है उसने इस तरीके से सोचा, सकारात्मक दृष्टिकोण दिया उस राजा को इस प्रकार से, और उन्होंने ये इस तरीके से घोड़े पे बिठाया, इस तरीके से निशाना लगाते हुए दिखाया मित्रों कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वो राजा विकलांग है, और इस तरीके से उसकी जो कमियां होती है उसको, कमियों को छिपा देता है। यानी मित्रों, जीवन में हम अपने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी होती हैं, लेकिन मित्रों जीवन को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को ही देखकर चलना चाहिए लाइफ में, और नकारात्मकता और निगेटिविटी के बारे में हमें कम को कतई बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। मित्रों, इस कहानी से, छोटी सी कहानी से ये मोटिवेशन मिलता है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कहानी आपको पसंद आई हो, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मित्रों, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे इसी ही मोटिवेशन और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।